हाय फ्रेंड, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। वीडियो में बात करेंगे इस वीक के रॉ के बारे में, शील्ड के पहले लुक के बारे में और कौन होंगे नेक्स्ट वीक मिस टीवी पे गेस्ट। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। रॉ का ये एपिसोड एक जबरदस्त ट्विस्ट से खत्म हुआ। शो शानदार, जबरदस्त और मजेदार था। शो की शुरुआत लास वेगास हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देके हुई, जहां WWE का पूरा रोस्टर एक साथ देखने को मिला। इसमें विंस मैकमैन और शेन मैकमैन भी देखने को मिले। इसके बाद शो की शुरुआत एक शानदार जानदार मैच से हुई, जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच देखने को मिला। अच्छा मैच था ये। ब्रॉन तो भूखे शेर लग रहे थे, जैसे कि उनके सामने जो आएगा उसे तहस नहस कर देंगे। बट सेथ रॉलिंस भी कुछ कम नहीं पड़े, अपने स्किल के हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमैन पे भारी पड़े। ब्रॉन ने रनिंग पावर स्लैम लगा के मैच जीता, इतने से भी काम नहीं चला तो एक और पावर स्लैम लगाई। इतने में डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस को बचाने आते हैं। डीन को दो लगातार चॉक स्लैम लगाई और एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए ब्रॉन ने। ब्रॉन के जाते ही शेमस और सेजारो प्रकट हुए और सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस पे जबरदस्त हमला करा। इसके बाद अलायस सैमसन वर्सेस टाइटस ओ'नील के बीच मैच देखने को मिला। जीत यहां अलायस सैमसन की हुई। वुमेन्स डिवीजन से नाया जैक्स वर्सेस मिक्की जेम्स में मैच देखने को मिला। अच्छा मैच था ये। नाया पहले मिक्की पे भारी रहीं, बट मिक्की जेम्स ने फिर पलटवार करा, लेकिन बीच में आके अलेक्सा ब्लिस ने मिक्की जेम्स पे हमला कर दिया। इसके बाद मैट हार्डी जेसन जॉर्डन वर्सेस गैलोज एंडरसन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। अच्छा मैच था ये। दोनों टीम ने अच्छा प्रदर्शन करा, बट जीत यहाँ गैलोज एंडरसन की हुई। इसके बाद सुजन जी कॉमन का सेगमेंट देखने को मिला, जहां कैंसर से जीतने वाली तीन लेडी को WWE कस्टम टाइटल देके सम्मानित करा गया। इस सेगमेंट के बाद मेज वर्सेस रोमन में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। रोमन ने आते ही घायल शेर की तरह कर्टिस एक्सल और बॉर्डरलेस को अपना शिकार बनाया, दोनों को चेयर से खूब धोया। उसके बाद मेज और रोमन में मैच शुरू हुआ। रोमन ने मैच में मिज की हालत खराब करके रख दी। रोमन मैच जीतने के बहुत नजदीक थे, बट अचानक शेमस और सेजारो ने रोमन पे हमला कर दिया और एंड में रोमन को तीनों ने मिलकर पावर बम दिया और शील्ड का साइन बनाया। क्राउड शील्ड शील्ड चेंट्स कर रही थी। रोमन को इस मैच में थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलते देखा गया है। इसके बाद फिन बेलर का सेगमेंट देखने को मिला। वो कहते हैं, मैं यहाँ पर ब्रे वाइट से फाइट करने आया हूँ। वो माइंड गेम खेल रहे हैं। ब्रे वाइट अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन तुम डरपोक हो। समर स्लैम में तुम्हें डीमन किंग से हार मिली, नो मर्सी में भी तुम्हें हार मिली। अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब डर लग गया है। तुम बेलर का सामना नहीं कर सकते हो। अगर हिम्मत है तो एक गेस्ट की तरह आकर मुझे यहाँ फेस करो। इतने में स्क्रीन पे ब्रे वाइट प्रकट होते हैं। वो फिन बेलर को झूठा कहते हैं और फिन बेलर को धमकियां देते हैं और कहते हैं कि डरपोक वो नहीं बल्कि तुम हो। मैं जब चाहे तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन मैं मौके की तलाश कर रहा हूँ। इसके बाद वुमेन्स डिवीजन से बेले एंड शाशा बैंक्स वर्सेज एलिसिया फॉक्स एंड एमा के बीच मैच देखने को मिला। जीत यहाँ बेले और शाशा बैंक्स की हुई। शो के मेन इवेंट में पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी एंजो अमोरे दिखाई दिए। वो कहते हैं, पिछले हफ्ते पूरा क्रूजरवेट डिवीजन मेरे खिलाफ हो गया था, लेकिन मैं अकेला था। मैं चैंपियन हूँ, मुझे इतनी बुरी तरह से मारा गया, उसके बाद भी मैं देखो यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं इसे डिजर्व करता हूँ। एंजो कहते हैं, मेरे पास आज एक लेटर है जिसमें लिखा है, जो भी आज मुझे मारने की कोशिश करेगा उसे WWE फायर कर देगी। तो आज तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं चैंपियन हूँ। इसके बाद नेविल पूरे क्रूजरवेट डिवीजन के साथ सभी सुपरस्टार रिंग के चारों तरफ आ जाते हैं और एंजो अमोरे को घेर लेते हैं। एंजो ने इसके बाद सभी का एक एक करके मजाक बनाया, लेटर दिखाकर फायर करने की धमकी भी दी। आज क्रूजरवेट डिवीजन के सारे सुपरस्टार ऐसे नजर आए जैसे कि उनके सामने खाना पड़ा है और वो उसे खा नहीं पा रहे हैं। इतने में एंट्री होती है कर्ट एंगल की। वो कहते हैं, यहाँ पर मौजूद सुपरस्टार तो मैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी अभी एक सुपरस्टार को क्रूजरवेट डिवीजन में डाला गया है। इतने में कलिस्टो की एंट्री होती है। उन्होंने आकर रिंग में फिर एंजो अमोरे को बुरी तरह पीट डाला। ओ गॉड, कितना पिटेंगे एंजो अमोरे, बस करो यार, जले पे नमक छिड़कना हो गया है तो। शो के मेन इवेंट का हिस्सा बनाना और बुरी तरह से मार खाना। यहीं शो का एंड नहीं हुआ। इसके बाद शो बैक स्टेज गया, जहां रोमन रेंज दिखाई दिए और उनके पास डीन एम्ब्रोस खड़े दिखाई दिए। थोड़ी देर में सेथ रॉलिंस भी वहां आते हैं। तीनों में कोई बातचीत नहीं हुई, बट एंड में आके फैंस के दिमाग में ट्विस्ट पैदा कर दिया। अब फैंस से अगली रॉ तक का वेट कैसे होगा वो तो कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि शील्ड के आने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आपको बता दूं, आने वाली रॉ पे मिस टीवी पे गेस्ट होंगे शेमस एंड सेजारो, तो उम्मीद है रोमन आके इनके ऊपर हमला करें और डीन और सेथ रॉलिंस भी दिखाई दें और यहीं से शील्ड वर्जन 2.0 देखने को मिले। और उम्मीद है तीनों मिलके मिज, शेमस, सेजारो, बोर्डल्लास और कर्टिस एक्सल को तोड़ के रख दें। अब तक इनके रास्ते अलग अलग थे, बट आने वाले टाइम में ये तीनों एक रास्ते पे चलते दिख सकते हैं। बट अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रोल देखने को मिलेगा।
अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनका क्या रोल होगा इन सब के पीछे, क्योंकि डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस पे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी हमला करा है। ब्रॉन के अपोनेंट का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, तो ये तो तय है कि आने वाली रॉ धमाल मचाने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर मारो, और इस तरह की WWE अपडेट्स हिंदी में पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब बटन पे मिस्ट्रा समझ के जमकर मारो और सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।